मुंशी साहब आइए, बीबी से बात कर लें। आदाब जेब बीबी। आदाब मुंशी साहब। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुंशी साहब। हजूरी, मुंशी साहब के लिए चाय लेकर आइए। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है। हुक्म कीजिए। मुंशी साहब, इन्हें बिकवाना है, खालिस सोना है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी कीमत लगे। ये क्या कह रही हैं आप? इन्हें बिकवा दें? क्या नौबत घर की औरतों के जेवर बिकने तक आ गई? जेबी भी अगर ऐसा कुछ था तो मुझे। ऐसा कुछ नहीं मुंशी साहब, ये जरा पुराने हो गए हैं और एक जरूरत भी दरपेश है, इसीलिए बिकवाना चाहते हैं। राजदारी शर्त है। अब्बा मियां के इल्म में ये बात नहीं जानी चाहिए। से बीवी, आपने सख्त मुश्किल में डाल दिया। आप परेशान मत होइए, ये हमारा जाती जेवर है, एक जरूरत के लिए इसे फरोख्त करना चाहते हैं। इसे ले जाइए और जितना जल्दी हो सके इसके बदले हमें रकम दे दीजिए। ये झुमके आपके लिए वकास अहमद ने भिजवाए। बीबी आप परेशान ना हो, आप बैठ जाए ना। सूर्या, आप हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करूं, मुझे सब पता है। मुंशी साहब का बेटा चला गया? जी चला गया, और खुदा करे कि इस घर में वो अब कभी भी वापस ना आए। अरे क्या तमाशा बना रखा है इस बद लिहाज बेअदब इंसान ने। चार जमातें पढ़ लेने से, ये चार पैसे आने से, आप जैसे खानदानी लोगों का ये मुकाबला नहीं कर सकते। बेअदब, बेलिहाज। क्या हुआ हजूरी? कुछ नहीं, हम आपके लिए चाय लेके आते। नहीं हजूरी, हमें चाय नहीं पीनी। ठीक है बीबी।